नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उस पर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ न्यूली इक्विटी इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आज वो टॉपिक लिया है जो जनरली एग्जाम में आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की भारयुक्त औसत लागत क्या होती है और वो कैलकुलेट कैसी करी जाती है। अब इसमें भी मार्केट जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वेट असाइन करे जाते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वेट असाइन करे जाते हैं। तो इनिशियली जो नॉर्मल वैल्यू है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग वेट असाइन करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इसमें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो के डब्ल्यू के नाम से होता है, कॉस्ट ऑफ या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। डब्ल्यू यहां पर जो वेट असाइन करते हैं कैपिटल को उसको बोला जाता है, एक्स होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल, यानी जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, उसके बाद में डिबेंचर इक्विटी शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स, उनकी इंडिविजुअल जो अपने को गिवन होती है। के डब्ल्यू यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता ही है, और समेशन या सिग्मा इसको बोला जाता है, टोटल सम करा जाता है, इसलिए समेशन भी इसको बोल देते हैं। फिर यहाँ पर एक अनसोल्व क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को गिवन है, इसमें टोटल चार कैपिटल है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग्स है, उनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट यानी कैपिटल है वो अपने को गिवन है, और ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेटेड मिल रही है। अगर नहीं मिलती है तो उस केस में इंडिविजुअली अपने को पहले कैलकुलेट करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करा जाता है। अब इसमें भी वेट असाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इस कैपिटल के प्रोपोर्शन में वेट असाइन करो या फिर कैपिटल को ही वेट मान लिया जाए, दोनों ही केस में आंसर है वो सेम आता है। एक टेबल के थ्रू दोनों टाइप से इसे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ऊपर हेडिंग है वो आई जाएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ जो भी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है उसका इसमें आ जाता है। सबसे पहले इसमें सोर्स आता है, सोर्स ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद में कैपिटल इसमें इंक्लूड करा जाता है, और कैपिटल है वो अमाउंट के फॉर्म में अपने को गिवन होता है। एक तरीका तो ये है कि इसे ही आप वेट अज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे फॉर्मूले में हम लोगों ने एक्स अज्यूम करा है, और फिर उसके बाद में डब्ल्यू एक्स जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। चार सोर्सेज अपने को गिवन है, डिबेंचर, फिर उसके बाद में सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स। इनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट है वो 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को गिवन है। इसका टोटल कर लिया जाए तो वो वेट हो जाएगा 3 + 2 = 5 + 4 = 9 + 1, 10 लाख रुपीज इसका टोटल आता है। या तो इसे प्रोपोर्शन में वेट अज्यूम कर लिया जाए या फिर इसी को वेट मान लिया जाए, तब भी आंसर है वो दोनों केस में सेम आएंगे, बाद में फर्दर सोल्व करके बताता हूं। आपके टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिबेंचर की 4% है, अगर आप इसे डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.04 आएगा। फिर सेकेंड प्रेफरेंस शेयर है उनकी 8% है,
इसे डिविडेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.08 आता है, और इक्विटी शेयर का 10% है इसे डिविडेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.10 आ जाएगा, और लास्ट में रिटेन्ड अर्निंग्स 9% है इसे आप डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.09 इसका आंसर आता है। ये W है और ये X है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W X है वो कैलकुलेट हो जाएगा। 3 लाख रुपीस को 0.04 से मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट आती है 12,000। फिर इसको 2 लाख रुपीस से मल्टीप्लाई करेंगे ये अमाउंट आएगी 16,000 रुपीस। फिर 4 लाख को 0.10 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो अमाउंट आती है 40,000, और लास्ट 1 लाख को 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 9,000 रुपीस। इन सब का टोटल कर लिया जाए 77,000 रुपीस आता है। फिर उसके बाद में अपना जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करनी है, के डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू यानी एक्स डब्ल्यू का जो टोटल है 77,000, ये सिग्मा एक्स डब्ल्यू हो गया। वेट चूंकि अपन ने यहां पर कैपिटल को अज्यूम करा है तो कैपिटल का टोटल 10 लाख रुपीज है वो एज इट इज वेट आ जाएगा, और परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करा जाता है। ये आ रहा है 7.7%। अब इसको एक बार के लिए मैं वेट असाइन करके बताता हूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। मान लीजिए ये आपके अमाउंट का कॉलम है और ये वेट का एक अलग कॉलम हो गया। वेट है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में असाइन करा जाता है, इसके अनुपात में करा जाता है। तो सिंपल फंडा है जो अमाउंट है उसको डिवाइड उसके टोटल से करा जाता है तो वेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। 3 लाख को आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 आता है। 2 लाख को 10 लाख रुपीज से डिवाइड करा जाता है तो ये 0.2 आएगा। फिर 4 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, और 1 लाख को 10 लाख से डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है। ये चीज याद रखना, कभी भी आप वेट असाइन करते हैं तो उस वेट का टोटल असाइन करने के बाद एक से ज्यादा कभी नहीं आ सकता, एग्जैक्टली 1 आएगा। 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1, यानी वेट आप असाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका टोटल 1 आएगा। अब बात वही वापस से रिपीट, डब्ल्यू एक्स यहां पर कैलकुलेट कर लिया जाए। डब्ल्यू एक्स कैलकुलेट करना है तो 0.3 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका आंसर आएगा वो है 0.012। सेकंड 0.2 को 0.08 से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आता है 0.016। फिर उसके बाद में 0.4 को 0.10 से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर 0.04 आता है, और लास्ट 0.1 को 0.09 से, तो उसका आंसर 0.009 आता है। अब इन सब का टोटल करना है, और वो टोटल आता है 0.077। अगेन फॉर्मूला अपना सेम है, बस इसमें जो डिफरेंस आ रहा है कि वो वेट की अमाउंट है वो डिफरेंट हो गई, और डब्ल्यू एक्स है वो भी डिफरेंट हो गया। फिर से इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो ये 0.077 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप इसे भी सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 7.7% आता है। यानी दोनों में से जो आपको तरीका बेटर लगता हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहती हो, उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आने वाला होता है। अब ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था,
जिसमें सिंपल अपने को अमाउंट वगैरह गिवन है ऑलरेडी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। फर्दर जो वीडियोज होंगे उसमें एक तो JNDU में और या दूसरी यूनिवर्सिटीज में पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन इसके वो डिस्कस करेंगे, प्लस जिसमें इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है वो वाले केस डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।